Hey guys, welcome back to my channel. And so today's topic is from strategic human resource management, and this is unit first. And the first topic from unit first is what is human resource management? Effective utilization of human resource for the achievement of organizational mission and objective. Normal human resource management होता है हमारा effective utilization of human रिसोर्स फॉर द अचीवमेंट, जो हम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना. उसके बाद आता है हमारा SHRM, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमारा SHRM क्या होता है. SHRM इज़ अ लिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद अ स्ट्रैटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस. HRM में तो हम सिर्फ ये करते थे कि हमारा मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अचीव करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते थे. लेकिन SHRM में हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रैटेजिक गोल और ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. अब इसके नेचर क्या होते हैं, सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म फोकस. ये एक लॉन्ग टर्म फोकस है क्योंकि हम SHRM लॉन्ग टर्म फोकस के पर्पज से करते हैं. एसोसिएटेड विद गोल सेटिंग, ये हमारे गोल सेटिंग के लिए एसोसिएटेड होता है. इंटरलेटेड विद बिजनेस स्ट्रैटेजी, हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजी से इंटरलेटेड होता है. फोस्टर कॉरपोरेट एक्सीलेंस स्किल्स, ये हमारे जो न्यू स्किल्स हैं उनको फैसिलिटेट करता है. उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ SHRM. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू डेवलप स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसीज. ये स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करता है, जैसे स्किल्ड हो गई, हाई मोटिवेटेड मैन पावर हो गई. उसके बाद टू गिव सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्रिएट करता है कि किस तरह से हमें अपनी HR प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को यूज़ करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे. तो फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रैटेजी, हमें बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ SHRM. तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ SHRM क्या होता है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू मैक्सिमाइज इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैक्सिमाइज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? इट मस्ट मैच इट्स इंटरनल रिसोर्स एंड स्किल विद अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनको इंटरनल रिसोर्स से मैच करे, तब उसका फ्रेमवर्क जो SHRM का है वो प्रॉपर होगा. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थियोरटिकल परस्पेक्टिव ऑफ SHRM. तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा फिट परस्पेक्टिव. फिट परस्पेक्टिव क्या कहता है? मैच इट्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड स्किल विद अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. परस्पेक्टिव ऑफ SHRM कहते हैं कि हमारा क्या परस्पेक्टिव है SHRM को लेके. तो सबसे पहले इसमें जैसे कि फिट परस्पेक्टिव आता है उसमें हम क्या करते हैं, मैच करते हैं हमारे इंटरनल रिसोर्सेज एंड स्किल को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनसे. क्या वो मैच कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो फिर हम उस पर वर्क करेंगे. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शनल पर्सपेक्टिव. फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म बेस्ट व्हेन ईच डिपार्टमेंट यूनिट मैक्सिमाइज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टू इट्स यूनिक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. अगर हर फंक्शनल एरिया, मतलब कि हर डिपार्टमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपनी मैक्सिमाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूशन देगा हर अपनी यूनिट में, तो जो SHRM है वो प्रॉपर ही यूटिलाइज होगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो भी तो बढ़ेगी उससे. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दिस पर्सपेक्टिव व्यू ह्यूमन रिसोर्स एज यूनिक एंड डिस्टिंग्विश्ड सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक अलग एडवांटेज से देखते हैं कि ये हमारा सबसे अलग एडवांटेज है. अगर हमारा इकोनॉमी में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है, हम अपने देखेंगे के चलेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से इफेक्टिव है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. टाइपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सिस्टमैटिक थ्योरीज फॉर द स्टडी ऑफ न्यू इनोवेशन इन मैनेजल थो बाय द हेल्प ऑफ, जो पर्टिकुलर नीचे दी हुई है. तो इसका टाइपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का बेसिकली मतलब ये है कि जो न्यू इनोवेशंस मार्केट में हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजर के लिए, उनको सिस्टमैटिक तरीके से हम कैसे मतलब डेवलप करती हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को. तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इसमें आती है इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी. इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी क्या कहती है? फोकस ऑन कॉस्ट, हमें कॉस्ट पे फोकस करना चाहिए. एक्सपेक्टिंग हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को क्योंकि हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. रिवॉर्ड लॉयल्टी टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज की टर्नओवर को कम करने के लिए जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करो.
उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहती है बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इनकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहती है अपने जो इम्प्लॉयज हैं उनमें इन्वेस्ट करो, किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करके, इनिशिएट करके, और उनको जो अलग अलग उनका स्टाइल है उनको इनकरेज करके, तो उनमें उन छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करो. उसके बाद आता है हमारा इन्वॉल्वमेंट स्ट्रैटेजी. इन्वॉल्वमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं, नाम से समझ आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट मतलब कि किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन. बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज फोकस ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट. अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट तो करो लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट पे फोकस करो कि एक्चुअली में वो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों में इन्वॉल्व है या नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इवेल्यूएशन ऑफ SHRM. तो SHRM की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी पहले टाइम में, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. बस वो कंसर्न करता था विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से और पॉलिसीज बनाने को लेके, बस उसका और कोई रोल नहीं होता था. उसके बाद धीरे धीरे आया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका इन्वॉल्व क्या था, इन्वॉल्व द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन अ फर्म. अपनी फर्म के अंदर पूरे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स थे उनका डेवलपमेंट करना, ये HRM का काम था. अब जो हमारी ट्रेंड में है वो है SHRM. SHRM क्या कहते हैं, इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस. अपनी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, उनको इंप्रूव करना, वो होता है हमारा SHRM. तो ये था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ SHRM. अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच का एक डिफरेंस. तो सबसे पहले आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर HR. ट्रेडिशनल में HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी, सिर्फ स्टाफ पर्सनल और HR डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उन्हीं को मैनेज किया जाता था. लेकिन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में हमारे सारे मैनेजर्स को मैनेज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए होती है. ट्रेडिशनल में फोकस किस पे होता था, एम्प्लॉय रिलेशन पे, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी में. लेकिन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में फोकस किस पे होता है, पार्टनरशिप विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब एम्प्लॉयज भी और कस्टमर भी. उसके बाद आता है हमारा जॉब डिज़ाइन. ट्रेडिशनल HR में हमारे जॉब डिज़ाइन क्या होती थी, डिवीज़न ऑफ लेबर देख दिया बता दिया जाता था, इंडिपेंडेंस उनको दी जाती थी और स्पेशलाइजेशन दिखाई जाती थी. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारी जॉब डिज़ाइन किस तरह से होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि हर किसी को हर काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीम में काम करना आना चाहिए, ग्रुप में क्रॉस ट्रेनिंग होनी चाहिए. मतलब कि अगर कोई बंदा बाहर फॉरेन जा रहा है, किसी और कल्चर में काम करने जा रहा है, तो उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम अराइज ना हो. इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल HRM में हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी कैपिटल और प्रोडक्ट पे, लेकिन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है पीपल और स्किल पे. उसके बाद टाइम, जो ट्रेडिशनल HR थी वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती थी, लेकिन स्ट्रैटेजिक HR हमारी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग तीनों टर्म्स के लिए होती है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैरियर्स टू स्ट्रैटेजिक HR. अब कुछ बैरियर्स भी थे जो स्ट्रैटेजिक HR में आए थे, वो क्या थे, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन. हमने लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन कुछ बनाया नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म पे रहती है, तो ये भी एक एब्सेंस, ये भी एक बैरियर बन सकता है हमारे स्ट्रैटेजिक HR में. दूसरा, लैक ऑफ मैनेजर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. अगर हमारे मैनेजर्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ही नहीं होगी तो हमारे जो बैरियर्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो तो आएंगे ही. उसके बाद लैक ऑफ एडुकेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. अगर हमारी टॉप मैनेजमेंट ही सपोर्ट नहीं करेगी हमारे फैसलों को, हमारी स्ट्रैटेजीज को, तो वो बैरियर बनेगा. फियर ऑफ फेलर, फेल अगर हर किसी को फेलर से फियर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए. उसके बाद एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट टेक्निक. अगर हम एक्चुअली में मेजरमेंट टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कितनी किस चीज़ में कितनी मेजरमेंट है, कितनी उसकी टेक्निक है, तो हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा हमारे लिए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, लास्ट टॉपिक इसके अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स एज एसेट. ह्यूमन रिसोर्स एज अ असेट क्यों है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहले डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसकी सक्सेस और फेलियर दोनों को डिटरमाइन करता है. रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से. डेवलपिंग लर्निंग कल्चर, और ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को डेवलप करते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, तो एक तरह से ये ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं जो डेवलप करते हैं, इसलिए हमारे असेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. प्रिपरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट. बी रेडी फॉर थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट, दे विल बी अपडेटेड सून. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.